अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 के लेक्चर नंबर 13 पर पहुँचे हैं और हमारा आज का टॉपिक है ओम मीटर। ओम मीटर जो है वो क्या होता है और फिर किस तरह से एक गैल्वेनोमीटर को हम ओम मीटर बना लेते हैं, ओम मीटर क्या करता है और इसके इससे रिलेटेड मुख्तलिफ बातें जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज का हमारा लेक्चर जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा टॉपिक है ये जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आया कभी, इसमें आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इस तरह से कि इससे रिलेटेड कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू अगर हमसे पूछा जाता है तो उसको हम आसानी से उसका आंसर दे सकें। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल जिस तरह से हमने गैल्वेनोमीटर को स्टडी किया एज ए एमीटर, एज एन एमीटर, एज अ वोल्ट मीटर, उसी तरह से हम गैल्वेनोमीटर को स्टडी करने जा रहे हैं एज ए ओम मीटर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग रेडी हैं, आप लोग अपने जो नोट्स हैं वो बनाने के लिए पेपर्स अपने पास रखें, पेन ले लें और इस पूरे लेक्चर को आपने एक ही सिटिंग में जो है वो देखना है और इसके तमाम पॉइंट्स को नोट करना है। आज का मतलब लेक्चर भी हमारा इतना लेंथी नहीं होगा, जस्ट हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 14 और हमारा लेक्चर नंबर 13 इस चैप्टर का। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को, इस लेक्चर को हमारे आज डेफिनेशन से। और बच्चों सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो यही होगी कि एक ओम मीटर क्या होगा, क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिखता हूँ ओम मीटर की और उसके बाद आगे बात बढ़ाते हैं। तो बच्चों ओम मीटर जो है दैट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट, एन इलेक्ट्रिकल instrument that is used to measure resistance। ठीक है बच्चों, ओम मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें बच्चों हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में अगर ये एक रेजिस्टर है R और ये बैटरी से कनेक्ट है या नहीं दैट इज़ अनदर थिंग, और अगर हम इस रेजिस्टर के अक्रॉस इसके दोनों पॉइंट्स के साथ एक ओम मीटर लगा दें तो दैट ओम मीटर विल मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर R। ये रेजिस्टर R जो है इसकी जो वैल्यू है वो हमें इस ओम मीटर से पता चलेगी कि कितनी है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जैसे एक एम मीटर करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, बिल्कुल इसी तरह से जो ओम मीटर है ये रेजिस्टेंस को मेजर करता है। आप इसके नाम से भी याद रख सकते हैं ओम जो है दैट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, मीटर जो है दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स, राइट, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। So a measuring instrument that measures resistance in ohms is known as ohm meter। ठीक है बच्चों, चलें जी इतनी बात हो गई, डेफिनेशन हमने समझ ली, आगे चलते हैं। अब इसमें बच्चों बेसिकली हम एक गैल्वेनोमीटर को ही एक ओम मीटर के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली अ गैल्वेनोमीटर विद स्मॉल मोडिफिकेशन, अ गैल्वेनोमीटर with a suitable arrangement, with a suitable modification or arrangement, suitable modification or arrangement can be used as ohm meter। ठीक है बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर को ही थोड़ा सा मॉडिफाई या सूटेबल अरेंजमेंट के ज़रिए जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं एज ए ओम मीटर। ठीक है, अब इसको जो हम समझते हैं कि किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को लेकर के एक ओम मीटर बनाते हैं। देखिए बच्चों, उसके लिए जो सर्किट की अरेंजमेंट है या जो सर्किट है वो हम इस तरह से बनाते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं एक गैल्वेनोमीटर और उस गैल्वेनोमीटर को, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर आ गया, राइट, और इस गैल्वेनोमीटर के जो दोनों एंड्स हैं इसके साथ आप कुछ अरेंजमेंट जो है वो मैं करता हूँ। इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम लगाते हैं एक बैटरी, राइट, यहाँ पर जिससे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, राइट, और उसके साथ एक तरफ तो ये बैटरी लगा देते हैं और दूसरी तरफ जो है
वो हम रियोस्टेट लगा देते हैं या एक रजिस्टर लगाते हैं जिसको हम कहते हैं एक वेरिएबल रजिस्टर, राइट। ऐसे रजिस्टर बना के इसके अंदर एरो लगाते हैं, दैट मीन्स अ वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, ये एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसको रियोस्टेट चैप्टर 13 में हमने पढ़ा था, रियोस्टेट वो हम यूज़ करते हैं, आर एस कहते हैं इसको। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर। ये दोनों जो टर्मिनल्स हैं इनको हम एक जगह ले आते हैं एक दूसरे के करीब यहाँ पर, और ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं इनके नाम रख देते हैं, ये है सी और ये है टर्मिनल डी। उसके बाद जो हम इसके साथ जो है इस टर्मिनल्स के साथ यहाँ पर एक जगह जो है वो छोड़ देते हैं, और ये जो दो टर्मिनल्स बन जाते हैं सी और डी, यहाँ पर हम वो रजिस्टर लगाएंगे जिसकी रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है, या फिर यहाँ पर हम वो रेजिस्टर्स लगाएंगे जिससे हमने इस गैल्वेनोमीटर को कैलिब्रेट करना है। ठीक है, अब जो ये तो सिंपल अरेंजमेंट होगी, जैसे मैंने लिखा कि बेसिकली गैल्वेनोमीटर विद अ सूटेबल मॉडिफिकेशन और अरेंजमेंट कैन बी यूज्ड एज ओममीटर। तो ये जो बैटरी लगाना, ये वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टेट लगाना और ये दो टर्मिनल्स छोड़ना, ये क्या है, ये इसी गैल्वेनोमीटर की मॉडिफिकेशन है या इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक सूटेबल अरेंजमेंट जो है ये हमने की है। अब जो किस तरह से अब ये गैल्वेनोमीटर जो है वो मेजर करेगा रेजिस्टेंस को या एज ए ओममीटर काम करेगा, उसके लिए जो आई होप कि आप लोगों को गैल्वेनोमीटर का जो मीटर मूवमेंट पार्ट है उसका आप लोगों को पता है, और ये जो हमारे पास किसी भी गैल्वेनोमीटर का जो मीटर मूवमेंट पार्ट होता है उसमें जो हमारे पास ग्रेजुएशन जो लाइंस लगी होती हैं, जो स्केल बनी होती है बेसिकली, वो इस तरह से अगर उसको मैं ड्रॉ कर लूँ, ये इस तरह से फिर नंबरिंग भी होती है जैसे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह से, और ये पॉइंटर होता है, अभी मैं इसके ऊपर स्केलिंग नहीं कर रहा, तो ये जो है ये पॉइंटर है, और पॉइंटर जो है वो बेसिकली कनेक्ट होता है एक कॉइल के साथ, और जब करंट इस कॉइल में से जाता है तो फिर ये पॉइंटर जो है ये मूव करता है। ये जो है ये किसी गैल्वेनोमीटर का मीटर मूवमेंट पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर है, और इस गैल्वेनोमीटर में से जब भी करंट पास करेगा तो इसका जो पॉइंटर है वो मूव करेगा राइट साइड को या लेफ्ट साइड को, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिर ये पॉइंटर इस तरह से मूव करता है। ठीक है, ये जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है इस पॉइंटर की, राइट, दैट इज़ ओरिजिनल पोजीशन ऑफ पॉइंटर, ये वाली जो है, अगर यहाँ पे अगर आपको नज़र नहीं आएगा तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ कि जिस जहाँ भी ये पॉइंटर हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ एक्चुअली ओरिजिनल पोजीशन, राइट, दैट इज़ ओरिजिनल पोजीशन, और अगर बच्चों ये पॉइंटर यहाँ आ जाता है इस पोजीशन पर तो दैट इज़ एक्चुअली फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, दैट इज़ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अगर ये किसी भी वजह से ये पॉइंटर किसी अरेंजमेंट की वजह से यहाँ आ जाता है तो दैट सेज दैट मीन्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ रिवाइज़ किया मैंने कि गैल्वेनोमीटर का जो मीटर मूवमेंट पार्ट है उसके बारे में कुछ बातें मैंने रिवाइज की है, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा बच्चों, गैल्वेनोमीटर के इस पार्ट को हम एज ए ओममीटर यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए भी हमें ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट जो है इसको अंडरस्टैंड करना है। अब ये जो रीडिंग है ये सारी, जब ये गैल्वेनोमीटर एज ए ओममीटर काम करेगा तो फिर ये जो इसकी मीटर मूवमेंट पार्ट की ये जितनी भी हमने स्केलिंग की हुई है, जितनी भी ये स्केलिंग है वो फिर एज ए ओम मीटर जो है वो मेजर करेगी। ये जितनी भी स्केलिंग है इसकी, ये ओम में इसकी मेजरमेंट आ जाएगी, राइट। अब इसकी जितनी भी डिग्रीज है जैसे 5 ओम 10 ओम या लेट्स से 100 ओम 1000 ओम 1 मिलियन ओम 10000 ओम, अब इसकी जितनी भी ये स्केल है वो अब ओम में मेजरमेंट करना शुरू कर देगी जब हम इसमें ये वाली चेंजेस करेंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर का यही पार्ट जो है ये एज ए एम मीटर भी, मतलब इसने करंट की मेजरमेंट भी की, इससे करंट भी मेजर हुआ जब हमने उसमें चेंजेस की थी जैसा हमने पढ़ा। फिर गैल्वेनोमीटर का यही वाला पार्ट जो है उसने एज ए वोल्ट मीटर भी काम किया, राइट। तो उसमें जब हमने गैल्वेनोमीटर में वो वाली चेंजेस की जो वोल्ट मीटर में हमने पढ़ी थी, तो फिर यही जो स्केल बनी हुई थी इसने पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट्स को मेजर किया, और आज वही स्केल जो है गैल्वेनोमीटर की जो मीटर मूवमेंट पार्ट है वही काम करेगी एज ए मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों, इसका जो कोर आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं, जिसमें
हम इसकी स्केल से रेजिस्टेंस की मेजरमेंट कर सकेंगे। अब देखिए मित्रों, इसमें पहला स्टेप ये है, मतलब स्टेप वाइज अगर हम चीज़ को समझते हैं तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेट्स से स्टेप वन बच्चों ये है कि हम इस, अब देखिए ये दोनों टर्मिनल्स हैं, ठीक है, इन दोनों टर्मिनल्स को जो है वो आपस में कनेक्ट कर देते हैं एक वायर के ज़रिए, राइट। तो मैंने इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया और ये एक कॉपर वायर जो है वो मैंने यूज़ की, मतलब कि एक मैंने ऐसी वायर यूज़ की जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, और जस्ट मेरा जो मकसद है वो ये है कि ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं सी और डी, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि अगर ये कनेक्ट नहीं होंगे तो उस केस में फिर ये जो सर्किट है ये कंप्लीट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा और मतलब कुछ प्रोसेस नहीं होगा। तो मैंने जस्ट इन दोनों टर्मिनल सी और डी को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब जो ये बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी से एक फ़ौरन जो है एक करंट जो है वो फ्लो करेगा और यहाँ से गैल्वेनोमीटर से पास करेगा, इस रियो स्टेट में से पास करेगा और यहाँ से फिर वो करंट पास करता हुआ इस सर्किट में फ़्लो करेगा। अब जो जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ये करंट पास करेगा तो वी एक्सपेक्ट कि गैल्वेनोमीटर की ये जो डिफ्लेक्शन है यहाँ पर वो आउट ऑफ स्केल चली गई, राइट, आउट ऑफ स्केल यानी यहाँ से क्रॉस कर गई, यहाँ से आगे चली गई, जो इसकी मैक्सिमम स्केलिंग हुई हुई है उससे भी आगे चली गई। अब हम ये करते हैं कि इस रियोस्टेट की मदद से, इस वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से इस गैल्वेनोमीटर की इस डिफ्लेक्शन को एडजस्ट करते हैं। हम क्या करेंगे कि हम इस रियोस्टेट से जो इसका रेजिस्टेंस है यहाँ से वो बढ़ाना शुरू कर देंगे। जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू कर देंगे तो करंट जो है वो लिमिट होगा, वो एक तरह से कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट कम हो जाता है। अब इस रियोस्टेट से आपने जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, अनटिल के ये रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाए और करंट इतना कम हो जाए कि गैल्वेनोमीटर की जो मीटर मूवमेंट पार्ट पे डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन फुल स्केल हो जाए, या वो डिफ्लेक्शन जो है वो आउट ऑफ स्केल ना रहे, राइट, ठीक है ना, समझे ना बात को। जब हमने इसको जोड़ा सी और डी पॉइंट पर, करंट गुजरा गैल्वेनोमीटर, फ़ौरन आउट ऑफ स्केल डिफ्लेक्शन हो गई उसकी, सही है। तो उस आउट ऑफ स्केल डिफ्लेक्शन होने की वजह ये थी कि करंट बहुत ज़्यादा था, करंट ज़्यादा था तो आउट ऑफ स्केल हो गया। फिर करंट को लिमिट करने के लिए, उसको कह लें कि कम करने के लिए, हमने यहाँ से रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को ज़्यादा किया। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं करंट कम हो रहा है और एक स्टेज आएगी जिस पर करंट इतना कम हो गया कि गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है इस वक्त वो फुल स्केल पर चली गई, ठीक है जी। जब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दे फिर आपने इस रेजिस्टर को नहीं छेड़ना, नाउ दिस रेजिस्टर इज़ फिक्स्ड, ठीक है बच्चों। अब ये बात याद रखना कि जब गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो फुल स्केल पे चली गई है तो अब आपने इस रेजिस्टर की वैल्यू को नहीं छेड़ना, ठीक है बच्चों। उस केस में वी एज्यूम नाउ कि ये जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज़ वेरी निग्लिजिबल एंड दिस रेजिस्टेंस इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, राइट। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमने इसको शॉर्ट सर्किट करना है, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट मींस के आपने रेजिस्टेंस को जो है वो बहुत कम कर देना है, प्रैक्टिकली आर इक्वल्स टू ज़ीरो कर देना है आपने, बहुत नेग्लिजिबल। तो इस आर ज़ीरो को आपने यहाँ पे लगाया था तो इसका मतलब ये हुआ कि अब गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो फुल स्केल है, जो गैल्वेनोमीटर का जो मीटर मूवमेंट पार्ट है, इस वक्त वो जो मीटर मूवमेंट पार्ट है वो यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो मीटर मूवमेंट पार्ट है ये शो कर रहा है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो, क्योंकि हमने यहाँ पर जो रेजिस्टर लगाया हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो इस वायर को जब यहाँ लगाया, एक ज़ीरो रेजिस्टर यहाँ पे लगाया, तो उससे ये कनेक्ट तो हो गए टर्मिनल्स, तो लेकिन ये है कि उसमें ये वाला प्रोसेस हुआ जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो इस वक्त जब ये रेजिस्टर लगा है, इस वेरिएबल रेजिस्टर से हमने रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके फिक्स कर दिया, अब आप इसको नहीं छेड़ सकते इसको बिल्कुल, तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन फुल स्केल पर है, जिसका मतलब है कि उस फुल स्केल डिफ्लेक्शन, वो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रही है वो इस आर ज़ीरो की वजह से आ रही है, ठीक है जी। नाउ दिस आर इज़ ज़ीरो, ठीक है। दूसरा स्टेप जो ये है
स्टेप नंबर टू वो हम ये करेंगे कि अब हम लिखते हैं स्टेप नंबर टू, अब हम इसको ओपन सर्किट कर देते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट का मतलब होता है नाउ आर बिकम्स इन्फिनिट, ठीक है। दो चीज़ें ये आपने एमसीक्यू भी याद रखना है, शॉर्ट सर्किट मींस आर इज़ ज़ीरो, ओपन सर्किट मींस आर इज़ इन्फिनिट, ठीक है बच्चों। तो शॉर्ट सर्किट मींस आर इज़ ज़ीरो, ओपन सर्किट मींस आर इज़ इन्फिनिट। अब जो यहाँ पे हमने ओपन सर्किट कर देना है, अब जैसे ही हम इसको ओपन सर्किट करते हैं, जैसे ही इसको यहाँ पे हम इस वायर को उतार देते हैं, तो इसका मतलब है कि एक तरह से यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, नाउ दैट रेजिस्टेंस हैज़ बिकम इन्फिनिट, फौरन से करंट जो है वो इस सर्किट में स्टॉप हो जाएगा। अब करंट तो फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये तो टर्मिनल्स जुड़े नहीं हुए आपस में, ये दोनों टर्मिनल्स आपस में नहीं जुड़े हुए, तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं। अब करंट अगर नहीं फ्लो करेगा तो यू कैन एक्सपेक्ट कि रेजिस्टेंस हैज़ बिकम इन्फिनिट, व्हेन करंट गोज़ टू ज़ीरो रेजिस्टेंस बिकम्स इन्फिनिट, या यूँ कह लें कि व्हेन आर इज़ इन्फिनिट आई गोज़ टू ज़ीरो, व्हेन आर इज़ ज़ीरो आई गोज़ टू मैक्सिमम, इस तरह भी आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब दोनों टर्मिनल्स के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिट। अब रेजिस्टेंस इन्फिनिट है तो गैल्वेनोमीटर का ये जो मूवमेंट पार्ट है, मीटर मूवमेंट पार्ट है, तो ये जो पॉइंटर है वो तो फौरन से जो है वो अपनी स्टैंडर्ड ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि जब ये काम हुआ है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा सर्किट में, तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है, नाउ दैट पॉइंटर रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन। अब ओरिजिनल पोजीशन जो है वो क्या मार्क करेगी, नाउ दैट ओरिजिनल पोजीशन इज एक्चुअली शोइंग आर इज़ इक्वल टू इन्फिनिट, समझ गए बच्चों बात को। जब हमने यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, ये टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, तो इट मींस के गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन स्टेबल है, अपनी नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन है। इसका क्या मतलब, उस वक्त यहाँ पे क्या है, इन्फिनिट रेजिस्टेंस। सो दैट स्टेबल पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मीटर मूवमेंट पार्ट ऑफ द पॉइंटर शोज आर इक्वल्स टू इन्फिनिट, ठीक है बच्चों। तो अब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर का ये जो मीटर मूवमेंट पार्ट है उसमें यहाँ पर जो आर है वो ज़ीरो है, और यहाँ पर जो आर है, नाउ दैट आर इज़ इन्फिनिट। तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर इतना जो पार्ट है उसका, उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन से लेकर उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन तक, ठीक है बच्चों, ये कोई भी हो सकता है। जैसे किसी भी गैल्वेनोमीटर में, किसी भी गैल्वेनोमीटर में ये बच्चों उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है ये वाली पॉइंटर की, यहाँ से पॉइंटर अगर यहाँ पे आता है तो ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, और ये बच्चों उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, फ़र्ज़ कर लें ये किसी की फुल स्केल डिफ्लेक्शन है पॉइंटर की, तो इसका मतलब बच्चों जो पॉइंटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन से ओरिजिनल पोजीशन पर आता है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन से ओरिजिनल पोजीशन के दरमियान मार्किंग कर दें आप, ठीक है, इस तरह से मार्किंग कर दें, कुछ डिविजन्स लगा दें ऐसे, ठीक है। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होगी, और ओरिजिनल पोजीशन पर जब आएगा तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिट होगी, राइट। तो अब अगर हम कोई भी रेजिस्टेंस ले लें जो हमने मालूम करनी है और उसको हम यहाँ पे लगाएं, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू डेफिनेटली ज़ीरो से लेकर इन्फिनिट के दरमियान ही होगी, ठीक है ना बच्चों। बस कोई भी रेजिस्टर आप लेते हैं वो ज़ीरो से कम नहीं होगा और इन्फिनिट से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी रेजिस्टर लूँ और उस रेजिस्टर को यहाँ पर कनेक्ट कर दूँ, इस रेजिस्टर की वैल्यू ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी के दरमियान है, तो बच्चों जब इस रेजिस्टर को हम यहाँ पे लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का ये जो मीटर मूवमेंट पार्ट है वो इस फुल स्केल डिफ्लेक्शन से लेकर इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन के दरमियान, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी पोजीशन पर जाकर रुकेगा। अब वो किस पोजीशन पर जाकर रुकेगा बच्चों, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर आर। अब इस रेजिस्टर आर की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि ये पॉइंटर कहाँ पर जाके रुकेगा। वैसे बच्चों जब हम इसकी स्केलिंग करते हैं, ये आर ज़ीरो है और ये आर इन्फिनिट है, तो ज़ीरो से लेके इन्फिनिट तक बहुत सारी वैल्यूज़ जो है वो रेजिस्टेंस की होंगी, और उसकी मार्किंग करने के लिए उन तमाम वैल्यूज़ की
मार्किंग करने के लिए कि यहाँ कितनी वैल्यू है, यहाँ कितनी वैल्यू है, तो उसके लिए बच्चों फिर हम ये करते हैं स्टेप थ्री में जाकर, स्टेप थ्री में फिर हम ये करते हैं कि नॉन वैल्यूज़ हम ले लेते हैं, ठीक है, नॉन वैल्यूज़ ऑफ रजिस्टर्स ये हम यूज़ करते हैं। हम लेते हैं जैसे बच्चों फ़र्ज़ करें कि जैसा हमने वो कार्बन रजिस्टर वाला पढ़ा था टॉपिक चैप्टर नंबर 13 में, तो वो जो कार्बन रजिस्टर है, लेट्स से कार्बन रजिस्टर लेते हैं जिसकी वैल्यू है 10,000 ओम। अगर हम इस जगह पे उस आर को लगा दें जिसकी वैल्यू 10,000 ओम है, तो इस गैल्वेनोमीटर का ये जो पॉइंटर है वो जहाँ जाके रुक जाएगा, हम वहाँ पे मार्क लगा देंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 10,000 है। लेट्स से कि 10,000 लगाया और उसने यहाँ पे जाके ये पॉइंटर यहाँ पे चला गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 10,000 ओम, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ पर एक नॉन वैल्यू लगाते हैं, और वो नॉन वैल्यू जो है आर की, लेट्स से हम लगा देते हैं 1,000,000 ओम, ठीक है ना। अब जब हमने 1,000,000 ओम लगाया, जब इसमें करंट फ़्लो किया, तो उस करंट के फ़्लो करने की वजह से ये जो पॉइंटर है वो यहाँ कहीं जाके रुक गया, तो जहाँ ये पॉइंटर जाके रुका हमने फौरन कह दिया कि यहाँ पर जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो 1,000,000 ओम है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से वो जो गैल्वेनोमीटर है उसको हम, उसका जो मीटर मूवमेंट पार्ट है उसकी जो स्केल है उसको एज ए ओम मीटर या एज ए ओम जो है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। समझ आ गई बात की, ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है जिस पर हम किसी गैल्वेनोमीटर को एज ए ओम मीटर यूज़ कर लेते हैं। इसमें बच्चों आपने ठीक होगी बात, इसमें फिर से मैं एक दफ़ा ज़रा आपको बता दूं, एक बच्चों ओम मीटर इसकी डेफिनेशन और फिर गैल्वेनोमीटर में चेंजेस करके हमने इसको ओम मीटर बनाना है, ठीक है जी। तो इस रेजिस्टर, ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है बच्चों, इस वेरिएबल रेजिस्टर जो है इसकी वैल्यू को एक दफ़ा एडजस्ट करना है, उसके बाद इस वैल्यू को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है। अब जो हमें ओम मीटर मिलता है, लेट्स से कि अगर हम एक ओम मीटर ख़रीदते हैं बाज़ार से, तो उसके ऊपर ओम मीटर लगा होता है, तो इस तरह से अगर वो ओम मीटर हमें मिलता है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि उस ओम मीटर के अंदर जो इस तरह से उसकी जो स्केलिंग हुई हुई होगी, उस स्केलिंग में बच्चों उसके अंदर इस रेजिस्टर की जो फिक्स्ड वैल्यू है वो लगी हुई होगी। ये वाला जो रेजिस्टर है जिसको हम रियोस्टेट से एडजस्ट करते हैं, ये रेजिस्टर इसके अंदर जो है ये फिक्स्ड होता है, ये लगा हुआ होता है। हम जस्ट क्या करते हैं कि इसके जो टर्मिनल्स होते हैं, इसके जो दो टर्मिनल्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं, और उन टर्मिनल्स के साथ जो रेजिस्टर हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं फिर उसकी वैल्यू जो है वो हमें बता देता है, ठीक है। ये फिक्स्ड सारा कुछ हमें किया हुआ इसमें मिलता है। तो बहरहाल बच्चों हमने तो इसका आइडिया समझना है कि ये किस तरह से काम करता है, तो उस आइडिया को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ओम मीटर जो है, दैट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स रेजिस्टेंस। तो ये टॉपिक इतना ही है, आई होप कि आपको इस टॉपिक की अच्छी अच्छी सी समझ आ गई है, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर 14 है उसका एक लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया है, दैट इज़ एवोमीटर, उसको हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 14 में। और ये बच्चों आपका चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो रहा है, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर 14 के मुतलक, डिफरेंट टॉपिक्स के मुतलक, वो मेरे पास सेफ़ हैं। और उसके बाद एक एवोमीटर के बाद जो लेक्चर नंबर 15 जो है वो हम बनाएंगे, उसमें हम उन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने टेक्स्ट के ज़रिए मुझसे पूछे हैं, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर को आप लोग अच्छा सा समझें, इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपको जानते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और लेक्चर्स को देखते रहें, अपना फीडबैक जो है वो देते रहें, और इसके बारे में मज़ीद कुछ सजेशंस हैं वो भी देते रहें। इसमें कोई चेंजेस जो है वो आप एक्सपेक्ट करते हैं जो पॉजिटिव हैं वो भी रिकमेंड करें, और अपने कमेंट्स में डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में आते हैं जो उनको भी आप ज़रूर लिखें, ठीक है। और इसको देखते रहें, मुकम्मल लेक्चर्स देखा करें और उसको समझा करें, इससे आपकी, आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डिवेलप होगी, ठीक है बच्चों। तो अपना ख्याल रखें, और नेक्स्ट लेक्चर जो है उस तक के लिए अपना वेट करें, उसको इंशाल्लाह जल्दी रिकॉर्ड करते हैं। और अपना ख्याल रखें, अच्छा अच्छा सा पढ़ते रहें बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।